auspicious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class 10th. Students, हम लोगों ने अपना chapter number 11 बहुत detail से discuss किया सारा, उसकी हर चीज़ को बहुत detail में हमने पढ़ा है. आज हमने इस वीडियो में वो पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जो चैप्टर नंबर 11 में अहमियत के हामिल हैं, और स्टूडेंट जब पूरा चैप्टर की रीडिंग करता है, याद करता है, तो कुछ चीज़ें उसमें मिस हो जाती हैं. तो बेसिकली तो हम ये चैप्टर को पढ़ने के बाद ये वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि वो चीज़ें हमारे सामने आ जाएँ जो स्टूडेंट जब तैयार करता है चैप्टर तो मिस हो जाती हैं. लेकिन जो ये चैप्टर है होम्योस्टेसिस का चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 क्लास 10th का, इसमें हम लोगों ने हर चीज़ को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है और इसमें कोई भी चीज़ छुपी हुई नहीं है. हर चीज़ इस चैप्टर के अंदर अहम है. स्टूडेंट जब इसको रीड करता है तो इसमें उसके सामने आने वाली हर चीज़ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है. इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसमें से लॉन्ग भी बनते हैं और शॉर्ट भी बनते हैं, और वो सारे के सारे हर टॉपिक से बन सकते हैं. हमने इस चैप्टर में होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स पढ़ा, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस पढ़ा, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस पढ़ा, और डिजीज़ को डिस्कस किया, किडनी से रिलेटेड उसका ट्रीटमेंट देखा. तो वो जितने भी ये टॉपिक हैं ये सारे अहमियत के हामिल हैं, और जो भी इनमें पॉइंट्स हैं वो सब के सब इनके अंदर लिखे हुए हैं. कोई चीज़ भी जो है वो ऐसी नहीं है जो मतलब स्टूडेंट की नज़र से ना गुजरने वाली हो. तो इस चैप्टर में जो कुछ पॉइंट मुझे लगा के अहम है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन मैं ये आपको कहूँगा कि इस पूरे चैप्टर को हर तरह से शॉर्ट, लॉन्ग और एमसीक्यू वाइज इस सब पूरे को डिटेल से पढ़ना है. इसमें हर टॉपिक अहम है और हर टॉपिक से लॉन्ग भी बन सकता है, शॉर्ट भी बन सकता है और एमसीक्यूज भी बन सकते हैं. तो इसमें कोई चीज़ भी मिस करने वाली नहीं है जो मिस की जाए या किसी चीज़ को इग्नोर किया जाए. तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो जिस तरह पेपर में आते हैं वो मैंने कुछ यहाँ पर लिखे हैं जो शायद कुछ स्टूडेंट्स जिनको समझ ना सके हैं, जिनको नाम का बताओ, तो मैंने उनके लिए ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं. सबसे पहले है कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम प्लांट्स, के कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा जो उनमें स्टोर होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कैसे रिमूव आउट करते हैं फ्रॉम बॉडी, और किस टाइम करते हैं और कौन कौन सी जगह से करते हैं, ये सारा हमने अपनी स्टार्टिंग इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग वाली वीडियोज है उसमें डिटेल से डिस्कस किया है. दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, प्लांट्स जो हैं वो अपनी अपने अंदर से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कैसे, क्यों और किस जगह से खारिज करते हैं, ये भी हमने डिटेल से डिस्कस किया इस चैप्टर की शुरुआत में. ये आपने शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है, शायद 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाए, लेकिन वैसे ज़्यादातर इसमें से शॉर्ट बनता है. तीसरा क्वेश्चन है कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, प्लांट्स एक्स्ट्रा वाटर किन प्रोसेसेस के थ्रू रिमूव आउट करते हैं, वो हमने कौन से प्रोसीजर्स पढ़े थे. हमने इस चैप्टर के शुरू में ही पढ़ा था कि ट्रांसपायरेशन होती है, रोटेशन की हमने एक टर्म पढ़ी थी. तो ये एक दो चीज़ें हैं, अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो इन दोनों चीज़ों को डिफाइन करना है, इन दोनों चीज़ों को बताना है किस तरह वाटर जो है वो रिमूव आउट होता है फ्रॉम प्लांट्स बॉडी, एक्स्ट्रा वाटर. उसके बाद फोर्थ नंबर पे है कि नेम ऑर्गन्स विच वर्क फॉर होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो होम्योस्टेसिस करते हैं. ये भी जब हम होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस का टॉपिक शुरू करते हैं तो उसके अंदर शुरू में ही 2-3 चीज़ें दी गई हैं, वो आपने देखनी है और उनको पढ़ना है कि वो कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं जो ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस में मेन किरदार अदा कर रहे हैं. नेक्स्ट है कि रोल ऑफ लंग्स इन होम्योस्टेसिस, लंग्स का क्या किरदार है होम्योस्टेसिस के अंदर. मेन शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसका आंसर लिखना है कि मेनली लंग्स ह्यूमंस की बॉडी में क्या कर रहे हैं. हमें पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन उनके अंदर आती है, तो ब्रीदिंग के लिए काम आते हैं लंग्स. शॉर्ट आंसर इसका आपने ये लिखना. 6 नंबर पे पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस के कौन से पार्ट्स हैं जो यूरिनरी सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो वो भी मेन 4 पार्ट्स हैं. आपने इसको इंटरमिक्स नहीं करना किसी और चीज़ से, जो मेन हमने 4 पार्ट्स पढ़े हैं वो आपने याद रखे हैं कि वो कौन कौन से हैं जो सारे ह्यूमन के यूरिनरी सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, ये आपने याद रखना. 7th पे है फंक्शन ऑफ यूरेटर, के यूरेटर का फंक्शन क्या है. ये कई दफ़ा कई बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आया कि फंक्शन ऑफ यूरेटर जो है वो बताएं कि यूरेटर का फंक्शन क्या है. तो इस यूरेटर के फंक्शन को भी आपने किसी और ऑर्गन के फंक्शन से इंटरमिक्स नहीं करना, बल्कि आपने यूरेटर का फंक्शन ही लिखना है कि यूरेटर का ये स्पेसिफिक फंक्शन होता है. ये किडनी से यूरिन को लेता है और यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को पहुंचाता है, ये वो पाइपलाइन है जिसको हम यूरेटर कहते हैं. इसको आपने इंटरमिक्स नहीं करना, इसको आपने याद रखना. इस चैप्टर में हर चीज़ को आपने डिटेल से पढ़ना है क्योंकि इस चैप्टर की हर चीज़ अहम है, मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ.
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में किसी किस्म का भी, तो आप ज़रूर पूछिएगा। साइंस शहजाद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।